पहाड़ों में, पहाड़ों में जन्नत दिखती है, लिखावट मेरी पहाड़ों पर ये लिखती है। आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी को मैं कहानी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनाएंगे हमारे सचिन भाई। तो सचिन भाई आपका स्वागत है। थैंक यू सूरज भाई। ओके फ्रेंड्स, तो मैं हूँ सचिन। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी कहूँ या एक किस्सा कहूँ, जो कि नीम करोरी बाबा का है। एक बार की बात है, एक दंपति हुआ करते थे। उनका जो बेटा था वो दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सैनिक था, भूटान में तैनात था। युद्ध बहुत जोरों पे था। काफी समय बीत गया, बेटा वापस नहीं आ रहा था। उसके माता पिता बहुत ज्यादा दुखी थे और परेशान भी थे। एक दिन नीम करोरी बाबा जी उनके घर आ गए और सभी लोग सोच में पड़ गए कि अरे बाबा जी हमारे घर कैसे पधारे। बाबा जी ने कहा, बेटा भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। उन दंपति ने बाबा जी का अच्छे से सत्कार किया और उनको अच्छा खाना बनाकर खिलाया। और बाबा जी ने उनसे आग्रह किया कि बेटा आज मैं आपके घर में ही विश्राम करूंगा। उन्होंने अपने हिसाब से बाबा जी को कंबल दिया और बाबा जी सामने वाले कमरे में एक बिस्तर बिछाकर और सो गए। कुछ ही समय बाद बाबा जी दर्द से कराने लगे। रात भर कराते रहे, करा कर करवटें बदलते रहे। जिस दंपति के घर बाबा जी आए हुए थे वे लोग परेशान हो गए और बोले, बाबा जी को क्या हो गया, बाबा जी तड़प क्यों रहे हैं। वे बाबा जी को उठा भी नहीं सकते थे क्योंकि बाबा जी की नींद खराब हो जाती। वो देखते रहे और बाबा जी के पैरों के पास बैठे रहे। जब सुबह हुई बाबा जी उठे और कंबल उन्होंने जो ओढ़ा था ना उसे फोल्ड किया और उस दंपति के हाथों में थमा दिया। बोले, ये कंबल को लेकर तुम गंगा जी में विसर्जित कर देना और इस कंबल को वो खोल कर मत देखना। और हाँ, ये काम करने के ठीक एक महीने बाद तुम्हारा बेटा सही सलामत घर आ जाएगा। तारीख दिन का रख लेना। और हुआ भी ऐसा ही, ठीक एक महीने में बेटा वापस आ गया। केवल वापस ही नहीं आया, उसने ऐसी बात बताई जिसे सुनकर इनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया, युद्ध में चारों तरफ से उसके ऊपर गोलियों की बौछार हो रही थी। उसको लगा कि आज मैं यहाँ से जिंदा वापस नहीं बच के जा पाएगा। आज उसके जीवन का अंत निश्चित है और उसके जितने भी साथी थे वो सारे के सारे गोलियों से मारे जा चुके थे और वह सही सलामत था। और उसकी तरफ बढ़ने वाली जितनी भी गोलियां थी वो उसको छू भी नहीं रही थी। तब उसको एहसास हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही है। दोस्तों, ये बात उसी रात की है जब बाबा जी दर्द से करा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा जी ने सारी गोलियां अपने सीने में खाई। दोस्तों जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। आप लोग देख रहे हैं बोहरा पहाड़ यूट्यूब चैनल और मैं हूं सूरज। सो गाइस, आज मैं जा रहा हूं कैंची धाम और अभी सुबह के 8 बजे हुए और अभी मैं नहा धो के छत में अपने कपड़े डालने आया था सुबह सुबह का टाइम है। और आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा हो रहा है, मतलब धूप आ रही है और कोहरा भी है, थोड़ा बहुत कोहरा भी है नीचे नीचे और धूप भी आ रही है। देखते हैं क्या होता है आज के इस व्लॉग में। आशा करता हूँ आप सभी लोग मेरे इस व्लॉग में लास्ट तक बने रहेंगे। गुड मॉर्निंग सचिन भाई, क्या खा रहे हैं आप नाश्ते में आज सुबह सुबह, क्या है ये? आलू की भुर्जी और रोटी। गुड। दोस्तों अभी जाना है हमको बस स्टेशन, पहले हम बाजार पहुंच चुके हैं और बस स्टेशन से हमको लेनी है कैंची धाम के लिए बस। देखते हैं क्या सीन है बसों का और किराया कितना है वहां का। मैं भी पिछले साल ही गया था, इस साल मैं गया नहीं हूं, तो वहीं जाके पता लगेगा क्या किराया है और क्या क्या सीन चल रहा है, कितना टाइम लगता है। 45 किलोमीटर है हल्द्वानी से। दोस्तों अभी मैं आ गया हूँ बस स्टेशन हल्द्वानी के, यहाँ से बस लेते हैं कैंची धाम के लिए और फिर चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम बस में बैठ चुके हैं और अभी जा रही है थोड़ी देर में, 10-15 मिनट में चलने वाली है। अभी तो खाली खाली है, जब भरेगी तभी जाएगी। जल्दी से चलते हैं
फिर मिलते हैं आपसे नए नए नज़ारे लेकर रास्ते में। तो दोस्तों, आप लोग भी हल्द्वानी से अगर कैंची धाम जा रहे हैं तो हमें दो रूट मिलते हैं कैंची धाम पहुंचने के लिए। पहला रूट तो है हमारा नैनीताल रूट से होते हुए भवाली, उसके बाद हम पहुंचते हैं कैंची धाम। और एक रूट जो है हमारा रानीबाग से होते हुए हमें जाना होता है भीमताल, भीमताल के बाद हमें जाना होता है खुटानी, खुटानी से भवाली, और उसके बाद हम पहुंचते हैं कैंची धाम। तो हम लोग जो जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं नैनीताल रोड से। और बस का किराया जो आजकल चल रहा है हल्द्वानी से 110 रुपये पर पर्सन चल रहा है कैंची धाम तक का। दोनों ही रूट अच्छे और बेस्ट हैं, आपको जो पसंद आता है आप लोग वहां से जा सकते हैं। यहां से अभी हमारा नैनीताल भी 18 बचा हुआ है, भवाली 18 और अल्मोड़ा जो है 70 किलोमीटर है। यहां से हम लोग जा सकते हैं अल्मोड़ा और रानीखेत भी, जो भी गाड़ियां चलती हैं वो यहीं से जाती हैं। और दोस्तों, यहां पे एक टर्न लेने के लिए मोड़ आता है, वहां पे से हमारा जो नैनीताल है 9 किलोमीटर बच जाता है और वहां से हमें जाना होता है भवाली की तरफ नैनीताल को न जाते हुए। तो प्यारे साथियों, अब मैं पहुंच चुका हूं भवाली। अगर आप लोग बाया भीमताल से आते हैं तो आप लोगों को भी भवाली ही आना पड़ता है। भवाली से कैंची धाम की दूरी जो है 8 किलोमीटर के लगभग है। यहां से अब हमें लगने वाले हैं 15-20 मिनट और। तो दोस्तों, अब मैं पहुंच गया हूं कैंची धाम। तो दोस्तों, अभी टाइम हो रहा है 11:15 और मैं आज वहीं खड़ा हूं जहां पे सेब एप्पल बन गया। गाइस, आज मैं यहां पे आ चुका हूं कैंची धाम में, और आप लोग मेरे पीछे देख रहे होंगे श्री नीम करौली बाबा जी का आश्रम हमारे पीछे है। और अभी चलते हैं थोड़ी देर में, देखते हैं क्या होता है आज के इस व्लॉग में। आप सभी को लास्ट तक बने रहना गाइस। थोड़ा इधर इधर आ जाओ यार, पहले लगाओ। तो दोस्तों, आज जो है यहाँ पे भीड़ बहुत कम है, बहुत ही कम भीड़ आज यहाँ पे है। कल जो थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और आज बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है, हम आराम से दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले बाबा जी के दर्शन करते हैं। और एक पहले मुझे एक हनुमान चालीसा भी लेनी है, पहले हनुमान चालीसा खरीदता हूँ और फिर चलूँगा। एक हनुमान चालीसा लेनी थी मेरे को पहले, ठीक है ये? हाँ, यही ले लो। तो दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कैंची धाम, और आज देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे भीड़ कम कम है। ये देखिए सचिन भाई को। तो गाइस, चलते हैं दर्शन करने नीम करौली बाबा जी महाराज के। और जो है नदी है, यही है शिप्रा नदी, जो कहानी है वो इसी नदी से जल भर के ले जाया गया था। और ये देखिए गाइस, नदी में जाना यहाँ पे मना भी है, नदी में नहीं जाना है। देखिए यहाँ पे हनुमान जी, देखिए, और प्रसाद वगैरह काफ़ी बार तो छीन भी लेते हैं। तो गाइस, काफ़ी श्रद्धालुगण यहाँ पे आए हुए हैं आज भी, हालांकि मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी करना मना है, फोटो वगैरह खींचना ही है एंट्रेंस। दर्शनार्थियों का स्वागत है। बारह 43 हो गया, मैं दर्शन करके आ गया हूँ, और यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है। भैया कहाँ से आए हैं आप? मैं
अलीगढ़ से अलीगढ़ से आया। दोस्तों आपको कैंपिंग करनी है तो आप लोग कैंपिंग भी कर सकते हैं कैंची धाम में। यहाँ पे एक साई टेंपल है कैंची धाम से थोड़ा सा आगे आने के बाद, यहाँ पे से 300 मीटर दूरी पर है, 300 मीटर का ट्रैक है यहाँ से, यहाँ ऊपर टॉप में होगा शायद से, ये देख सकते हैं आप लोग। नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में, थोड़ा दिखा देता हूँ, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं इस नंबर पर। दोस्तों अब मैं आ रहा हूँ कैंची धाम से वापस, बस मिल गई है मेरे को, दौड़ने से भगवान भी मिल जाते हैं, मेरे को तो बस ही मिली है फिलहाल। एक हराम है, हराम है, चल रहे हैं गाइस हम लोग हल्द्वानी को, 40 किलोमीटर बचा हुआ है अभी। दोस्तों अगर आप लोग कैंची धाम में ही रुकने की सोच रहे हैं तो आप सभी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में होम स्टे के नंबर दिए हुए हैं और नाम भी दिया हुआ है, और मैंने आप सभी को अपने इस व्लॉग में भी एक दो होम स्टे दिखाए थे, और भी बहुत सारे होम स्टे हैं यहाँ पे कैंची धाम में। तो आज जितनी भीड़ कैंची धाम में नहीं थी उससे ज़्यादा भीड़ तो आज हल्द्वानी में दिख रही है मेरे को, और अब मैं हल्द्वानी पहुँच गया। दोस्तों अभी 3:30 बजे हैं और हम लोग चले थे वहाँ से, कितने बजे चले थे हम, 1:55 पर चले थे हम, और अभी हो रहा है 3:30, देख सकते हैं कितना टाइम लग गया हमें हल्द्वानी पहुंचने में। तो दोस्तों आप सभी को व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। थैंक यू।